रतन टाटा की गिनती देश के सफल कारोबारियों पे होती है। आखिर कौन है जो रतन टाटा को नहीं जानता होगा। 28 दिसंबर 1937 में गुजरात के सूरत में जन्मे देश के सबसे सफल उद्योगपतियों में शामिल रतन टाटा आज 83 साल के हो चुके हैं। इतना नाम बनाने के बाद आखिर ऐसा क्या है जिसका उनको आज तक अफसोस है। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा कहते हैं कि वे एक जाने माने उद्योगपति नहीं होते तो वे एक आर्किटेक्ट होते। उनका कहना है कि वे एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे लेकिन अफसोस इस सेक्टर में वे काम नहीं कर पाए। रतन टाटा को अफसोस है कि वे लंबे समय तक एक आर्किटेक्ट के रूप में काम नहीं कर पाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा कहते हैं कि मैं हमेशा एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, इस सेक्टर में मेरी गहरी रुचि है, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं और मैंने 2 साल इंजीनियरिंग में बिताए। वो कहते हैं कि इन दिनों इंजीनियरिंग ने मुझे विश्वास दिलाया है। आपको बता दें कि मुझे एक वास्तुकार होने की जरूरत है और वास्तव में मेरी रुचि भी उसमें है। रतन टाटा को इस बात का भी अफसोस है कि वास्तुकला में डिग्री होने के बावजूद वे लंबे समय तक इस पेशे से नहीं जुड़ सके और इस बात का अफसोस उन्हें आज तक है।